गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज तो आज हम बात करेंगे कि पहले क्या लगाना चाहिए, सीरम, मॉइस्चराइजर्स या सनस्क्रीन। ये स्टेप बाय स्टेप रूटीन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी स्किन को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो गाइज सबसे फर्स्ट हम लगाएंगे सीरम। सबसे फर्स्ट जो है लगाएंगे हम सीरम। सबसे पहले सीरम लगाना चाहिए क्योंकि ये लाइट वेट होता है और स्किन में डीप पेनरेट करता है। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी 12% विटामिन सी प्लस ई प्लस ए कॉम्प्लेक्स सीरम यूज करूंगी अपने फेस पर। स्किन को ब्राइटन करता है और पिगमेंट्स और डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से रिच होता है जो स्किन को नरिश और प्रोटेक्ट करता है। एंड हम बात करेंगे विटामिन ए, स्किन रेनुअल प्रोसेस को बूस्ट करता है और फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है। सो गाइस तो क्लीन फेस पर टू थ्री ड्रॉप सीरम को लगाओ और जेंटली पेट करके एब्जॉर्ब होने दो। सो गाइज सीरम के बाद हम सेकेंड यूज करेंगे मॉइस्चराइजर्स, जो कि सीरम के बाद मॉइस्चराइजर्स लगाओ ताकि आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहे। तो यहाँ पे मैं पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी विटामिन सी प्लस ई प्लस ए कॉम्प्लेक्स ही यूज कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजर स्किन को सॉफ्ट बनाता है और बैरियर क्रिएट करता है जो सीरम को बेनिफिट्स को लॉक इन करता है। स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर्स चूज करो और फेस पर नेक पर इवेंटली लगाओ। सनस्क्रीन की, मॉइस्चराइजर्स के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर में हैं या फिर बाहर में हैं। मैं लैक्मे 925 स्किन यूज़ करूँगी। ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है जो एजिंग और पिगमेंट्स काउज करता है। एटलीस्ट SPF 30+ सनस्क्रीन यूज़ करो और हर 2-3 घंटे बाद रीअप्लाई करो अगर आप बाहर हो। सनस्क्रीन को जेनरसली फेस पर नेक पर लगाओ और इंश्योर करो कि सब एरिया कवर हो। Down the law and you've been served. आपका फीडबैक और सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्वेश्चंस और सजेशंस नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।